यू नो आई एम जस्ट सरप्राइज्ड, आई एम टोटली सरप्राइज्ड, और मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ ना कि मेरे से कोई रिएक्शन ही नहीं निकल रहा, सीरियसली, क्योंकि तुमने क्या कर दिया यार, तुमने क्या कर दिया यार। देखो मैं स्टार्टिंग से तुमको स्टोरी बताता हूँ सबसे पहले। बाय द वे कैमरा एंगल अगर खराब है तो मुझे माफ कर देना, मतलब ठीक से अरेंज नहीं हो रहा था तुरंत में। अभी तुमको ये तो पता होगा कि टीवी पे भी एनिमे आना चालू हो चुका है, नारुतो जैसे एनिमे सोनी ये चैनल पे टेलीकास्ट हो रहे हैं और उसके साथ काफी बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक स्टार्टिंग में सब कुछ सही जा रहा था, नारुतो का रिपीट टेलीकास्ट तुमको टाइमली देखने को मिल रहा था, सेंसर का तो बात ही हटा दो भाई, टीवी पे चल रहा है तो तुम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, वैसे भी उन्होंने लगा रखी है उनकी। और रात के टाइम पे भी तुमको देखने को मिलता था लाइक 8 बजे, लेकिन अभी क्या है भाई 9 बजे से वो दिखाना चालू करते हैं, रिपीट टेलीकास्ट है नहीं, मतलब बिल्कुल टाइम की लगा रखी है उन्होंने। अब ऐसे में अगर तुमको एनिमे को ऑफिशियल सपोर्ट दिखाना है तो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस बचते हैं, या तो तुम 9 बजे जाके टीवी पे उसको देखो, अदरवाइज तुम्हारे पास जियो टीवी है जहाँ पे तुम कभी भी उस शो को देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बस आज का एपिसोड देख सकते हो, कल का एपिसोड देख सकते हो, तुम लिटरली 10 दिन पहले का भी एपिसोड देख सकते हो वहाँ पर। और ऑफिशियल सपोर्ट तो एनिमे को मिल ही रहा है, भले ही कम मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन टीआरपी चैनल्स को कम मिलती है, और यू नो जियो टीवी लाइक फ्री में तुमको दिखाता है तो एड लगा के, तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन टीआरपी उनको काफी कम मिलती है, बट एटलीस्ट मिलती तो है। बट तुम लोगों ने जियो टीवी को इतना ज्यादा रीच दिया ना कि एनिमे का एक स्पेसिफिक चैनल सिर्फ और सिर्फ जियो टीवी पे अभी आ रहा है। एनिमेक्स जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद 2017 में उसकी जर्नी ऑफिशियली एंड हो रखी थी, बट या इट्स स्टार्टिंग अगेन। मैंने एक वीडियो बनाई थी नारुतो का सोनी ये का डब का और कार्टून नेटवर्क का डब का, जो कि बहुत पहले आया करता था, उसमें मेरे को काफ़ी सारे लोग इस चैनल के बारे में बता रहे थे कि लाइक ऐसा चैनल था, इस पे एनिमे आया करता था, होपफुली फिर से आ जाए, और वो चीज़ अब सच होते हुए दिखाई दे रही है लाइक सीरियसली। और क्योंकि ये जियो टीवी पे आया है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस के ये टीवी पे भी टेलीकास्ट हो, लाइक तुम इन सब चीज़ों की शुरुआत देख पा रहे हो कहाँ से हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टून नेटवर्क, सोनी ये, क्रंची रोल, ब्रो इतना ज्यादा बड़ा लाइब्रेरी और इतने कम रुपए में, पहले तो उनके कॉस्ट आसमान छू रहे थे, बट अभी 89 रुपीज, भाई 79 रुपीज आई गेस, तो 79 इज नॉट अ बिग अमाउंट यार। उसके अलावा डिज्नी प्लस हॉट स्टार उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्रिकेट लवर्स हैं और सब्सक्रिप्शन तुम्हारे पास होगा ही भाई, तुम घर में किसी के पास ढूंढोगे उसके पास मिल ही जाएगा, ले लो और देखो। इसके अलावा यूट्यूब पे 2 चैनल्स है जहाँ पे तुमको फ्री में एनिमे देखने को मिलता है, एक म्यूजी एशिया जिसने म्यूजी इंडिया भी लाया, क्योंकि इंडिया में लाइक ऑडियंस ज्यादा है तो उसके लिए एक अलग चैनल ही बना रखा है उन्होंने, और दूसरी साइड हमारा एनिमन एशिया और अब ये एनिमेक्स। देखो मैं एनिमेक्स से ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं सही बताऊं तो मैं उस टाइम पे उतना ज्यादा एनिमे के बारे में जानता भी नहीं था, हालांकि मैंने नारुतो को थोड़ा सा देखा था, बट देखने के बाद ही वो बंद हो गया, नहीं मेरे पास फोन था उस टाइम पे, मैं देख भी नहीं पाता था, तो वो जो फीलिंग है ना तुम में से कुछ लोगों के पास, वो आई गेस मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट या कम से कम हम ये तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, लाइक चलो मैं जियो टीवी खोल के तुमको दिखा देता हूँ कि चल क्या रहा है ब्रो वहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये कि रिकॉर्ड हो रहा है ना, ज्यादातर ऐसे सर्विसेज में होता नहीं है कि तुम रिकॉर्ड कर पाते हो, तो अगर हम यहाँ पे एनिमेक्स टाइप करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एनिमेक्स का चैनल आ गया, और इसको शायद से मैं अभी इस पे चला नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा डिवाइस सपोर्टेड नहीं है, मेरे को इसका लाइक ब्लू स्टिक का वर्जन अपडेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, पहले चलता था बट इधर कुछ दिनों से नहीं चल रहा। बट सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे ये आ रहा है, मैंने फ़ोन पे चला के देखा था तो वहाँ पे शोज अभी भी रन कर रहे हैं। जियो टीवी एस डाउनलोडर ने अच्छा अपडेट नहीं कर रखा मैंने, ओ नॉइस अभी अपडेट किया तो ये लैंडस्केप में भी आ गया, बहुत ही अच्छे, अभी मेरा साथ से ही चल जाए। कहीं इसके लिए भी अगर बना रहे ना जियो टीवी अलग से ऐसे ऐप लाए फिर वेबसाइट लाई तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं काम कर रही है, मेरे को वही अपडेट करना पड़ेगा। बट या सबसे बड़ी बात ये आ चुका है, मैंने इसके कुछ शोज वगैरह देखे थे, अभी यहाँ पे एनिमे टेलीकास्ट होते रहता है बट वहाँ पे सबटाइटल्स तुमको देखने को नहीं मिलते, जो कि मे बी ये चीज़ों को जल्दी से फिक्स करे और फिर से ये चैनल टीवी पे आ जाए, क्या पता। देखो आई डोंट नो हाउ इट इज गोन अ वर्क अगर ये टीवी पे आता है, क्योंकि मैं तो ब्रो टीवी पे नहीं देख पाऊंगा, हालांकि मैं जियो टीवी पे देख सकता हूँ ऑफिशियल तरीके से अगर आया, क्योंकि फ्री है यार, फ्री है तो काफी सारे लोग देख भी सकते हैं। आ जाओ हम थोड़ा एनिमेक्स के बारे में देखते हैं, और ये पता है ये बहुत पहले से हो रहा था भाई, 13 से ही हो रहा था, हमको पता नहीं था बस इसके बारे में। टॉप 10 चाइल्डहुड एनिमे शोज फ्रॉम एनिमेक्स, आई डोंट थिंक सो ये इंडियन चैनल है, वैसे भी यहाँ पे सॉन्ग कॉपीराइटेड है, मैं प्ले नहीं कर सकता, बट स्टिल यहाँ पे कमेंट्स है लाइक 2004 में आया था आई गेस एनिमेक्स, और वो भी अच्छे खासे शोज के साथ, लाइक 90s के कार्टून ड्रैगन बॉल, पोकेमॉन भी आता था, डिजीमॉन वगैरह। एनिमेक्स एशिया इंडिया कमर्शियल एड्स, अच्छा कॉपीराइट चेक करना, अरे यार
यहाँ पे तो सारे म्यूजिक कॉपीराइट है, मैं भी तुमको म्यूजिक सुनाई ना दे। कमेंट्स तो देखो, द डे आई क्राइड माई आईज आउट व्हेन आई सॉ एनिमेक्स बैन इन इंडिया, दर्द हुआ ब्रो दिल में। आई मिस एनिमेक्स सो मच, ओ माय गॉश, एनिमेक्स वाज माय एंटायर चाइल्डहुड, गॉट द ग्रेटेस्ट शो फॉर किड्स। हंटर एक्स हंटर आया था उस पे, मैंने ऐसे ज्यादा ओल्ड शोज देखे नहीं है। मैंने क्या क्या देखा है, GTO देखा था इधर मैंने, द ग्रेट टीचर ऑनिश का मस्त शो लगा मेरे को वो भी, ए स्टोरी ऑफ करेज। What was that? वो फेरी टेल्स का देगा? हाँ, this one. फेरी टेल्स भी लगता है वहाँ पे टेलीकास्ट होता था। अच्छा, ब्लेच उस टाइम के भाई काफी अच्छे अच्छे शोज वहाँ पे टेलीकास्ट होते थे यार। मैंने कहीं पे सुना था कि वो ना शेड्यूल कास्ट करते थे शो को, मतलब जैसे ही जापान में रिलीज हुआ उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट तुमको यहाँ पे इंडिया में मिलता था। सोचो ना, अभी भी तुमको मिलता है, लाइक नेटफ्लिक्स का तो नहीं पता, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो क्रंचीरोल देता है तुमको अपने शेड्यूल कास्ट में कुछ कुछ नए वाले शोज। और मैं ज्यादातर इधर नए वाले शोज ही देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो उनका आगे वाला एपिसोड आया नहीं रहता, नहीं तो मैं पूरा का पूरा सीरीज ही देख लेता हूँ, टाइम कब चला जाता पता ही नहीं चलता। तुम देख रहे हो इंग्लिश में ये बोल रहा है, लाइक वो शायद से इंग्लिश डब में दिखाते थे इसको। भाई देखो, टीवी शोज को सब में दिखाना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं है ना, तुमको वो फीचर नहीं मिलता कि तुम 10 सेकंड पीछे करके देख लो, अगर तुमको वो मतलब तुमने वो सब टाइटल नहीं पढ़ा फिर तुमसे वो मिस हो गया हो। डब में ये चीज़ नहीं है ना, इंग्लिश डब में देखने वाले लोग भी होंगे वहाँ पर। Hunter, We believe in anime. अरे यार लाओगे क्या? तो खुशी हो रही है, आ रहा है वापस। काफी सारे शोज के बारे में मेरे को पता भी नहीं है, इन सारे शोज के बारे में। म्यूजिक काफी प्रिटी है यार। भाई शोज के जब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ ना, भारी भयानक शोज मेरे को लग रहे हैं ऐसे तो। एक इसी वाले इमेज पे देखो यार। अच्छा, इन सब चीजों को गोली मारो। एनिमे का चैनल आएगा तो सेंसर बहुत कम होगी यार। काफी सारे रोम कॉम शोज भी है यार यहाँ पे। जैपनीज ऑडियो विद सब टाइटल, ओके इन्होंने लिख रखा है कि वो डब में दिखाएंगे या फिर सब में दिखाएंगे। सही है। And a big explosion. Literally, ये और लास्ट में बिग एक्सप्लोजन। Oh, that was good. Nostalgia, isn't it? Do you want the good old days back? They are coming back, boys. Okay, ये चीज देख के मेरे को काफी अच्छी लगी कि कौन कौन से शोज आते हैं। It was worth watching. बाकी तुम लोग के कमेंट्स का मेरे को इंतजार रहेगा कि तुम लोग क्या सोचते हो उन सारे शोज के बारे में, इस चैनल के बारे में, तुम देखने वाले हो नहीं देखने वाले हो, सारा ओपिनियन अपना तुम नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इस वीडियो में यही तक, याद रखने के लिए अरिगाता।